व्हाट्स अप पीपल। सो अभी जस्ट मैं जिम से आया, वर्कआउट ख़त्म किया। मेरा ये पीछे मेरा जिम है एंड द बेस्ट थिंग इज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है आज मेरे कॉलेज का, मतलब इंजीनियरिंग में जो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो आज आ रहा है, तो उसको लेने आने वाला हूँ मैं अभी। सो या पहले तो मैं फ्रेश होता हुआ यार, बहुत थका हूँ मैं, बहुत हार्ड वर्कआउट किया हार्ड, और धूप इतनी हो रही है, इट्स लाइक 38 डिग्रीज नाउ। तो मतलब आज मेरे इंडिया से गोरा हो गया था मैं, मेरे को लग रहा है अभी तो पक्का काला हो जाऊँगा मैं भाई साहब इतनी धूप। और सलोनी भी इधर ही काम करती है, सलोनी वो जो सलोनी उधर काम करती है, देयर इज़ यूएसयू दैट साइड, वो पीछे उसके, सो शी वर्क्स देयर। एंड या ये तो अपना पार्किंग लॉट है, सुंदर गाड़ियाँ तो लगी होती है, दिस इज मस्टैंग और उधर टेस्ला है, एवरीवेयर दिस ब्यूटीफुल कार्स मैन। से भाई ये पार्किंग लॉट ही है जो इतना कूल होता है भाई, इसलिए मैं इधर धीरे धीरे चल रहा हूँ। अभी वापस आके जाके धूप मिलने वाली काफ़ी, समर सीजन में इट्स वेरी फकिंग हॉट मैन, इतना गंदा गर्मी होती ना यार, मतलब क्या बोलूँ मैं। ये है अपना घर, मैंने कभी मेरा घर दिखाया नहीं ना एक्चुअली, सो ये ऐसे खुलता है। तो वेदांत ने मेरी गाड़ी एक्चुअली आगे लगाई बिकॉज उसकी गाड़ी पीछे, और दिस इज वेदांत, से हाय ब्रदर। हेलो, तू नहीं आ रहा? नहीं भाई, सोना है तेरे को? सोने जा रहा हूँ भाई, रात के 4-4 बजे तक जागोगे तो ऐसे ही हो गया ना, सोने नहीं देते मेरे को, हम क्या करें? चुप। तो भाई ये है अपनी गाड़ी का, दिस इज माय बेबी। सो आई एम गोइंग टू LAX एक्चुअली मेरे दोस्त को पिकअप करने, और फर्स्ट टाइम आई एम अलोन एक्चुअली, ना सलोनी है ना मेरे दूसरे दोस्त है, बिकॉज सबका एक्चुअली जॉब है अभी 5 बजे तक, और वो अभी आ रहा है। सो मेरे को अकेला ही जाना पड़ेगा, और मैं भी जाते हूँ, बहुत बोर होने वाला हूँ यार, 1 घंटे का बहुत ट्रैफिक भी है अभी उधर, मतलब 1 घंटा लगे, 15 मिनट लगते हैं खाली LAX जाने को इधर से इधर, बट ट्रैफिक मैन, व्हाट टू डू, इट इज ट्रैफिक, सी सो मच ऑफ ट्रैफिक, लिटरली एवरी लेन इज फिल्ड विद कार्स, सो मच ऑफ कार्स इन LA. That's why the time is showing like 1.5 hours, मतलब LAX जाने के लिए। So it just takes like 15 to 20 minutes to reach to LAX, मतलब season से। Like एक बार मैं तो सुबह 4 बजे गया था, literally 20-15 ही मिनट में बोला, literally मैं तो 15 से भी कम, full भाग गया था वो बंदा। So ये मैं बोल रहा हूँ, लिख के ले लो मेरी ये बात अभी की, अगर ये इतने ट्रैफिक में अगर कोई उबर से एयरपोर्ट से कोई पिकअप करने नहीं आ रहा है मेरा दोस्त को, जैसे कि मैं हूँ, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सो आई एम देयर, बट इफ़ आई एम नॉट, मतलब कोई और होता उबर वगैरह से आता, माँ कसम एक 160-170-200 तो ऐसे ही लगते उसको उबर से। लाइक मैं जब आ रहा था, मैं जब आया जान में, मेरे को कोई पिकअप करने के लिए था नहीं, सो मेरे को भी उबर में लाइक $120 दिखा रहे थे, और उस टाइम पे भी 45 मिनट्स का ट्रैफिक था, एंड ये तो 1.5 घंटे का है। सो जो भी आ रहा है गाइज, नोट दिस डाउन, the left 2 lanes to turn right onto World Way. Tony has joined us. And bhai, kaisa lag raha hai? Yo. LA mein. In US. First time in US, bro. LA is beautiful. तेरना कॉलेज में थे हम लोग फर्स्ट ईयर में, हम तीनों भी एक साथ ही थे ना अभी, हाँ एक ही क्लास में थे हम लोग तीनों भाई। फिर बढ़िया है LA, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जगह इतना, यहाँ पे इतना सारा है स्पेस, हम मुंबई से आए और यहाँ पे ऐसे देख के मतलब बहुत अजीब लग रहा है। इसका रियलिटी चेक होना बाकी है सलोनी, जगह ही जगह है। देखते चलो फिर नेक्स्ट स्टॉप। नेक्स्ट स्टॉप साला इधर क्या LA दर्शन कराने नहीं ले गया हमें? अभी ये जा रहा है वापस भाई, रजत भाई से हाय टू आवर पब्लिक। ये रजत का ही रेस्टोरेंट है, पहले वाले में भी ऐसा ही था। क्या क्या पहले वाले में भी ऐसे आया था? हां भाई, ये अपने रजत भाई का रेस्टोरेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं, हां क्या काम कर रहे, रात में जाते, पानी पूरी आ गई है भाई अपनी, वाह कैसा लग रहा है भाई ऐसे हाईटेक वर्ल्ड में आके ओमकार भाई, हाँ अमेजिंग मैन, अमेजिंग सलोनी, मस्त लग रहा है, इंडिया में नहीं होता है ना ये सब, बाय बाय।
What's up people, back from restaurant or now I'm gonna discuss like क्या problems होते हैं like जैसे कि मेरे को भी वही same problems हुए इंडिया के जो फोन्स होते हैं mostly MI, Vivo, Oppo, कभी कभी OnePlus उनके बैंड्स अलग होते हैं इंडिया में और यूएस में बैंड्स अलग है तो वो फोन्स नहीं चलते मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आते हो आप तो आपके पास इंटरनेट नहीं होता और कॉलिंग के लिए कोई नंबर नहीं होता है तो वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है जैसे कि लेने जब मैं गया तो मैं कोई और टर्मिनल में चला गया तो कोई तो और टर्मिनल में था मेरे हिसाब से ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि फ़ोन का आने के बाद आपको फ़ोन नया खरीदना पड़ता है नया सिम लेना पड़ता है फर्स्ट डे पे ये सब प्रॉब्लम होती है एक्चुअली अगर किसी आपका दोस्त है सो देन दैट्स अ गुड पॉइंट अगर कोई है नहीं तो आपको कोई मोटेल में रहना पड़ेगा ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है आने के पहले ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती एक्चुअली कुछ भी करो ये सॉल्व नहीं हो सकती आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा अभी मैं जब अकेला था तो मैंने मेरे रूममेट से पूछा उनका रूममेट को कोई फ्रेंड था तो मैं उनके घर पे रुका था ऐसा होता है इसका कोई आंसर नहीं है कि फ़ोन उधर के फ़ोन इधर नहीं चलते ऐसा कुछ नहीं है आंसर यही है कि इधर आके नए फ़ोन खरीदो और कुछ नहीं कर सकते देर इज़ नो अदर ऑप्शन हाँ जिसका फ़ोन अच्छा है जैसे कि आईफोन है या फिर सैमसंग का फ़ोन है लेटेस्ट वाला वो चलते और वन प्लस ही कभी कभी चल जाता है मोस्टली बट बाकी के प्रॉब्लम देते हैं जो इधर नहीं है जैसे कि समझ लो भाई सो अभी जस्ट आया हूँ मैं मतलब सलोनी के घर पे जा रहा हूँ मैं आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा मेरे घर पे है दी तो मैं उसके घर पे जा रहा हूँ अभी खाने और ये इतना ही था वीडियो में और कुछ ज़्यादा हम लोग ने किया नहीं कल मोस्टली प्लान है कुछ करने का जो भी होगा मैं दिखाऊंगा इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना जो भी करना है कर देना प्लीज़ और मैंने एक भारी वीडियो बना रहा हूँ मैं बहुत सुंदर वीडियो बना रहा हूँ जो सबको बहुत पसंद आएगा उसके लिए भी रुकना ज़रा टिल देन बाय बाय सी यू।